डी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो है लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज कर ली थी, हमने कर लिए थे एमसीक्यूज वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। अब हम आते हैं डी पे, जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, आपका स्वामीनाथन होप दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग टू डस्ट, व्हाई? स्वामीनाथन ऐसा क्यों उम्मीद कर रहा था, ऐसा क्यों चाहता था कि धूल में मिल जाए उसके स्कूल की बिल्डिंग भूकंप आने से? तो इसका आंसर बस आप छोटा सा लिख दिए, शॉर्ट आंसर है तो आप लिख दिए, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। बस ये एक लाइन लिख दिए, हो गया आपका आंसर। सेकंड, आपका वाई वॉज स्वामीनाथन कॉन्शियंस स्ट्रिकन? देखिए, कॉन्शियंस मतलब होता है होश, जैसे कि होश खो बैठना है ना। होश का मतलब क्या होता है? सही और गलत की पहचान कर पाना, कि हम क्या कर रहे हैं वो चीज हमें समझ में आना, इसको बोलते हैं कॉन्शियंस। जैसे बेहोशी में जो है हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सोए हुए हैं, गिर रहे हैं, या चोट लगी है या नहीं लगी है, ये सब नहीं समझ में आता, तो उस स्टेट को बोल देते हैं अनकॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियंस का मतलब होता है होश में, तो होश जो है खो बैठने का मतलब होता है कॉन्शियंस का स्ट्राइक पे चले आना, या फिर कॉन्शियंस स्ट्रिकन। ठीक है, स्ट्राइक से आया है स्ट्रिकन, स्ट्राइक का मतलब आपको बताया, कहते हैं ना कि मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी, मतलब काम रोक दिया, तो रुक गया था उसका कॉन्शियंस स्वामीनाथन का, ऐसा क्यों? वाह वाह, स्वामीनाथन कॉन्शियंस स्ट्रिकन, ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल सो ही थॉट दैट ही वुड लाई अबाउट हिज टीचर सैम्यूल टू हिज फादर। ये पूरी आप लाइन लिख दी, ये आपका आंसर हो गया टू का। इसका मतलब है क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो झूठ बोल दे अपने टीचर स्वामी सैम्यूल के बारे में, अपने पिता को। क्वेश्चन थ्री आपका, व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट सैम्यूल दैट सर्कुलेटेड अराउंड द स्टूडेंट्स? ऐसी कौन सी अफवाहें फैली थी स्टूडेंट्स के अराउंड सैम्यूल के बारे में, सैम्यूल जो कि उनका टीचर था, दैट ही केन स्टूडेंट्स टिल देयर हैंड्स गेट ब्लडी, कि वो स्टूडेंट्स को ऐसे मारता था, तब तक मारता था कि जब तक उनके हाथ जो है खून में होने हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ डिड स्वामीनाथन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लेटर? तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व कैसे करी स्वामीनाथन ने लेटर की? तो देखिए, इसके देखने के कई सारे नजरिए हैं। आप ये सोचिए कि उसने सॉल्व तो करा नहीं वो प्रॉब्लम को, एक चीज सॉल्व करने की कोशिश करी थी उसने, वो पिट गया अपने टीचर से, फिर भी जो है जब गया हेडमास्टर के ऑफिस में तो पता चला कि हेडमास्टर तो है ही नहीं, तो वो सॉल्व नहीं कर पाया वैसे तो उसकी प्रॉब्लम। लेटर जो है उन्होंने मतलब बाद में जो है उस लेटर को उसके पिता ने ही फाड़ के फेंक दिया और उसे डांट भी लगाई, तो उस चीज को सॉल्व तो नहीं कर पाया था, पर हाँ ये कह सकते हैं कि अगर हेडमास्टर आए होते तब वो उसने सॉल्व कर ली थी उस प्रॉब्लम को। तो इसका आप आंसर लिख दिया, ही गॉट केन्ड आफ्टर प्रोवोकिंग सैम्यूल, वो पिट गया उकसाने के बाद सैम्यूल को, बट दैट डिड नॉट वर्क, पर ये चीज उसके काम नहीं आई। क्यों नहीं आई ये तो आपको पता ही है, तो बस आप इतना लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 5 है आपका। व्हाट डिड स्वामीनाथन डू टू प्रोवोक सैम्यूल? ही केप्ट शाउटिंग अगेन एंड अगेन, वो चीखता गया बार बार, बार बार समझाने के बाद भी अपने टीचर के वो चीखता गया क्लास में, तो बस वो पिट गया। तो इतना आप कर लिए, आपका होमवर्क है, कोई इसमें डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा।